तो शाओमी या फिर रेडमी के जरूर से हम फैन रहे होंगे, और डेफिनेटली जो वीडियो देख रहा है शाओमी या रेडमी का फैन होगा और नया मोबाइल लेने का डेफिनेटली सोच रहा होगा कि हम रेडमी या कौन सा नया मोबाइल लिया जाए, चाहे हम गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए बात मान ली जाए या फिर कैमरा के लिए मान ली जाए, बैटरी परफॉर्मेंस के लिए बात मान ली जाए, कौन सा मोबाइल हमारे लिए बेटर रहेगा, चाहे फिर वो मिड रेंज से बात कर लो या फिर थोड़ा सा फ्लैगशिप पर चले जाओ। शायद सारे रेडमी के मोबाइल तो मिड रेंज में आते हैं, लेकिन हाँ मिड रेंज में भी फ्लैगशिप कर देते हैं तो फिर वो बात अलग होती है। तो चलिए बात करें तो कौन सा मोबाइल आपके लिए वर्थ रहेगा लेना और आपका बजट क्या, उसमें आप ले पाते हैं नहीं ले पाते, सारे आपके जो मन में डाउट है ना कि हमारे मोबाइल में गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी, क्या हमारे मोबाइल में कैमरा अच्छा मिलेगा, जो भी आपके मन में डाउट होंगे, खैर लेना तो आपको है, लेकिन मैं यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि कौन सा मोबाइल आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिड रेंज यानी कि छोटे मोबाइल से, जो कि 6-7 हज़ार रुपये चालू होता है। अब शाओमी का 6-7 हज़ार रुपये चालू होने वाला मोबाइल तो एक ही आता है, रेडमी 6A सीरीज, आप 6A हो गया 7A हो गया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 6A अभी लेना बेकार रहेगा आपके लिए, अभी ना लीजिए। कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों के अंदर रेडमी 7A लॉन्च हो रहा है तो वो आपके लिए एक बेस्ट मोबाइल रहेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नई जनरेशन का मोबाइल आ रहा है, उसमें प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा लगाया जाएगा। तो डेफिनेटली आपको रेडमी 7A ही लेना चाहिए, आपका बजट उतना ही है तो। हाँ बढ़ा सकते, तो आगे वीडियो देखते रहिए, आपके बढ़ाने के लायक की भी आप मोबाइल दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो भी आप ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम 8-9 हज़ार रुपये के बीच में, तो 8-9 हज़ार रुपये में शाओमी कोई भी मोबाइल लेना मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ रेडमी की वाई सीरीज आती है, वाई सीरीज मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती है। खैर कुछ लोगों को लगती है, बट मेरे को वाई सीरीज कतई अच्छी लगती है, तो वाई सीरीज डेफिनेटली आप अवॉइड कर सकते हैं। कुछ हज़ार रुपये और, एक महीना रुक के 1000 रुपये और इकट्ठे कीजिए, देन उसके बाद में आप रेडमी नोट सेवन या फिर ले लीजिए, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, मेरे हिसाब से वो काफ़ी बेटर रहेगा। फिर अभी रेडमी 7 की जगह 7S आ गया, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का कैमरा देखने को मिल जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, क्या डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा, और उसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी मिल जाती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्नैपड्रैगन 660 बेकार, नहीं 660 बेकार नहीं है, स्नैपड्रैगन 660 बहुत ही अच्छा है, और अंडरक्लॉक प्रोसेसर नहीं है, फुल फ्लैश किया हुआ प्रोसेसर है, तो काफ़ी अच्छी बात है। डेफिनेटली आप रेडमी नोट 7S की तरफ भी मूव कर सकते हैं, अगर आप 1000 रुपये और बढ़ा सकते हैं, 1000-2000 रुपये बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं आगे बढ़ना चाहूँगा मैं बैटरी परफॉर्मेंस की तरफ, तो बैटरी परफॉर्मेंस शाओमी के सभी डिवाइस में एकदम बेटर होती है। 4000 mAh की बैटरी के साथ उन्होंने स्टॉक ले रखा है, पता नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उससे ऊपर वो करते नहीं है, तो 4000 mAh की बैटरी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चलती है, तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा कि गेमिंग परफॉर्मेंस हो गया, उसके अलावा मोबाइल का लुक हो गया, सब कुछ एवरीथिंग कैमरा वगैरह सब कुछ मिलाए, तो फिर आप रेडमी नोट 7 प्रो ले लीजिए, डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छा मोबाइल है और काफ़ी बहुत ही बढ़िया मोबाइल होने वाला है। खैर लोग हम यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप लेने का सोच रहे हैं कोई मोबाइल तो डेफिनेटली रेडमी नोट 7 प्रो ले सकते हैं। और वही थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा, अगर आपको रेडमी नोट 7 प्रो भी नहीं चाहिए और उससे बढ़िया चाहिए और एकदम गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम धांसू चाहिए, तो फिर आप पोको F1 की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अभी बहुत से लोग पोको F1 लेते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि पोको F1 के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, रेडमी K20 रेडमी K20 प्रो लॉन्च होने ही वाले हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं। उसमें एक तो आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है, उसमें एक LED लाइट भी मिल जाती है पॉपअप सेल्फी कैमरा के अंदर, डेफिनेटली काफ़ी लुक हाई है उसका। मैं डेफिनेटली रेडमी नोट 7 प्रो सेल कर दूंगा और वही देने वाला हूँ रेडमी K20 प्रो, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा डिवाइस होने वाला, और मे भी उसकी प्राइस 22-23-24 हज़ार रुपये के बीच में यहाँ पर रहने वाली है, जो बेस वेरिएंट होता है उसकी, और उससे ऊपर जाएगा तो वह अलग बात है, लेकिन 6GB और 64GB में भी आपको मिल जाएगा 23-24 हज़ार रुपये के बीच के अंदर, तो काफ़ी अच्छा मोबाइल होने वाला है। और डेफिनेटली रेडमी के डिवाइस में काफ़ी एक अलग चीज़ होती है, और हाँ फिर आपको हटके ही जाना है, कुछ अलग ही लेना है रेडमी के अलावा, तो फिर आप रियलमी X का भी देख सकते हैं, वो भी इंडिया में लॉन्च होने ही वाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी एक अच्छा डिवाइस होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको बताई मैंने कवर करके कि कौन सा मोबाइल आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ अगर आपको कैमरा और बैटरी प्लस गेमिंग परफॉर्मेंस तीनों चाहिए तो आप रेडमी नोट 7 प्रो ले सकते हैं। अगर आपको एक बेस मतलब गेमिंग का इतना चस्का नहीं है, ठीक ठाक आप गेमिंग खेल लेते हैं, गेम कर लेते हैं, और आपको कैमरा थोड़ा सा अच्छा चाहिए, तो फिर आप रेडमी नोट 7S की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें भी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिल ही जाएगी, उसके अलावा आपको कैमरा भी काफ़ी अच्छा मिल ही जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपका बजट इतना नहीं है, तो फिर आप ले सकते हैं रेडमी 6 और रेडमी 7 6A। मेरा कहना वही था कि अभी मत लीजिए, 7A भी आने वाला, तो वो भी आप देख सकते हैं। हाँ लेकिन आप रेडमी 7 भी आप परचेज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे डिवाइस ये होने वाला है, डेफिनेटली काफी अच्छे डिवाइस, और भी काफी डिवाइस आते रहेंगे, तो आपके लिए कवर करता रहूंगा ऐसे वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक देना ना वीडियो को शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह शेखावत, मैं मिलता हूं आपके लिए एक्साइटिंग वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।